अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली रजा एंड यू आर वाचिंग डिजिटल पाकिस्तान। बिफोर गोइंग टू आवर वर्क, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डिजिटल पाकिस्तान। इफ यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल देन थैंक्स टू यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास इंग्लिश, विच नेम इज हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो। So I have right here the first question, then I explain you. First of all, I want to tell you about this chapter. I have collected 8 questions for this chapter. Total questions are 8 for toppers, because our channel is ready to ready to create new toppers in Pakistan. So I have right here for toppers. It's mean we are doing hard work for our students, which are very hard worker and they want to top in their exams. So I want to explain here the first question, which is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr? What happened when Hazrat Abu Jahl asked अबाउट हज़रत अबू बकर? जब अबू जाहिल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक पूछा तो क्या हुआ? जब अबू जाहिल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछा तो क्या हुआ? अब इसका आंसर है, व्हेन अबू जाहिल आस्क, जब अबू जाहिल ने पूछा हज़रत अस्मा अबाउट हर फादर्स वेयर अबाउट्स, जब अबू जहल ने पूछा हज़रत अस्मा के बाप के बारे में कि वो कहाँ हैं, उन या उनका अता पता, शी काउंटर क्वेश्चन हिम, उन्होंने उसे उल्टा सवाल कर दिया। हाउ वट, किस तरह, आई नो, मुझे क्या पता, मैं किस तरह जान सकती हूँ, ये उन्होंने कहा। दिस इन्फ्रस्ट्रेटेड अबू जहल, ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा फेस, उन्होंने इस सवाल पर उल्टा सवाल किया, मैं कैसे जानूंगी या मुझे क्या पता। इस सवाल ने अबू जहल को मुश्तैल कर दिया कि वो बिफर गए, वो गुस्से में आ गए। ठीक है, इसके आगे है जो मैं अभी लिखता हूं, इसके आगे का जवाब, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेस से आगे लिखेंगे, स्लैप हजरत अस्मा फेस सो हार्ड दैट हर इयररिंग, सो हार्ड दैट हर, उनकी इयररिंग earring means कान की बाली जो औरतें पहनती हैं। अच्छा जी, earring fell, fell तीसरी फॉर्म है फॉल की, fell off, off का मतलब गिर गई। जब अबू जहल ने उनको एक चपेड़ मारी तो उनकी क्या, कान की बाली गिर गई, इतनी जोर से मारी। She faced him bravely and did not reveal the secret. इसने हजरत
अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि आपकी बाली दूर जा गिरी। आपने इसका बहादुरी से मुकाबला किया और अजराज ये राज फाश ना किया। इस जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली दूर जा गिरी। शी फेस्ड उन्होंने मुकाबला किया है ब्रेवली बहादुरी से एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट और क्या ना किया राज को फाश ना किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू Why was Hazrat Abu Quhafa رضی اللہ تعالی عنہ worried? Why was Hazrat Abu Quhafa को हाफा भी बोलते हैं कहफा भी पढ़ सकते हैं हाफा अब को हाफा वरीड और वरीड हजरत अब को हाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो क्यों परेशान थे। नाउ आंसर इज हजरत अबू कुहाफा हजरत अबू माँ का चेंज करना पड़ेगा हजरत अबू कुहाफा हजरत अबू कुहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज वरीड दैट हजरत अबू बकर رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو قحافہ was worried that حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ had taken all the wealth wealth مطلب دولت all the wealth with him अपने साथ ले गए तमाम दौलत अपने साथ ले गए leaving छोड़ते हुए leaving him and children empty handed and helpless empty handed and helpless no meaning is Hazrat Abu Quhafa was worried Hazrat Abu Quhafa pareshan the that ke Hazrat Abu Bakr had टेकन वो ले जा चुके हैं ऑल द वेल्थ सारी दौलत विद हिम अपने साथ लिविंग छोड़ते हुए हिम उनको एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों को एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। आपने वाकया ये अच्छी तरह से सुन लिया होगा पहले आप सल्लम को जब मतलब कि किसी गजबा के लिए जाना था तो आपने कहा कि अल्लाह की राह में आपके पास क्या कुछ है आप ले आए तो हज़रत अबू बकर सदीक अपने घर से सारा सामान ले आए थे
और क्या करके आए थे, अपने बच्चों और हजरत अबू कुहाफा को एम्प्टी हैंडेड, मतलब खाली बेयारो मददगार, हेल्पलेस और खाली हाथों छोड़ के आए थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर घर क्या छोड़ा है, तो आपने फरमाया कि घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ, वो उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये वो सवाल है। अब तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डेड हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर आपने इकट्ठा लिखना है, यहाँ पे जगह भी थी तो मैंने इसलिए इधर लिख दिया फादर, ग्रैंडफादर। हाउ डिड, किस तरह हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर, अपने दादा जान को तसल्ली दिलाई। हजरत अस्मा ने अपने दादा जान को किस तरह तसल्ली दिलाई? अब इसका जवाब है, शी इमीडिएटली, उन्हें फौरन से, ये जल्दी से, शी इमीडिएटली इमीडिएटली शी इमीडिएटली गैथर्ड शी इमीडिएटली गैथर्ड सम पबल्स Sunbubbles and put them at the place where put them at the place where put them and the place where her father used to keep his money and jewels, मतलब जो जेवर वगैरह होते हैं, and covered them with a piece of cloth. With a piece of cloth. With a piece of cloth. Cover them with the piece of cloth. She immediately उन्हें फौरन से गैथर्ड, इकट्ठा किए सम पबल्स, कुछ कंकर, एंड पुट देम, और उन्हें रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह वेयर हर फादर, यहाँ पे उनके बाप यूज्ड टू कीप, रखते थे हिज मनी, अपनी दौलत, एंड जीवर्स और जेवरात, एंड कवर्ड देम, और उनको ढांप दिया, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक टुकड़े के साथ, किस चीज के टुकड़े के साथ, कपड़े के टुकड़े के साथ उनको ढांप दिया। ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला है, the other part I write here, she called her grandfather, उन्होंने अपने दादा जान को बुलाया,
एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया दैट हर फादर, के उनका बाप हैड लेफ्ट छोड़ गया है ऑल दैट, ये सब फॉर अस, हमारे लिए। ही टचड, उन्होंने छुआ उसे, द क्लॉथ कपड़े को, एंड हिज कंसर्न, उसकी तशवीश वॉज एलिवेटेड, कम हुई, इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, इस तरीके से उन्होंने अपने दादा की जो तशवीश है उसको कम किया। एंड द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर फोर इज, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हु वाज हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हु वाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, अन्हु। सो आंसर इज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज सन ऑफ हजरत असमा, सन ऑफ हजरत असमा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत असमा के बेटे थे। एंड द क्वेश्चन नंबर फाइव, Which incident in story showed? Which incident in story showed Hazrat Asma? Hazrat Asma's رضی اللہ تعالی عنہ love and respect for holy prophet, for holy prophet رضی اللہ تعالی عنہ sallallahu alaihi wasallam, sorry, holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Which incident, kaun sa waqia in story, kahani mein short zahir karta hai hazrat asma ki mohabbat, love and respect, mohabbat aur izzat फॉर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत असमा की मोहब्बत और इज्जत कौन सा वाक्या है जो कि यहाँ पे बयान करता है या जाहिर करता है? द रोल हजरत असमा या रोल ऑफ द रोल हजरत असमा Hazrat Asma played at the time of
played at the time of the migration migration of the Holy Prophet. Sallallahu Alaihi Wasallam showed her love and respect for Holy Prophet. The role of Hazrat Asma played at the time of migration. Hazrat Asma ka kirdar jab Aap Sallallahu Alaihi Wasallam migration matlab hijrat kar rahe the, Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam showed love and respect. Unhone mohabbat aur izzat ka ek namuna pesh kiya. Mere khayal se ye kafi hai, itna sawal kafi hai. Aage agar hum karein bhi to isko Sallallahu Alaihi Wasallam ne zindagi mein utra कि आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गारे सोर में खुराक पहुंचाई. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर फाइव. सो Question number 6, which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma? Generosity of Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ. Which incident, کون سا واقعہ and story میں tells us about the generosity of Hazrat Asma. Generosity means سخاوت, سخی ہونا. And the answer is, When Hazrat Asma inherited a garden. After the death of her sister, gave away all the money मतलब पैसे. Among the poor and the needy, गरीब और जरूरतमंदों को दे दिए. मतलब when Hazrat Asma inherited, जब हजरत अस्मा को विरासत में मिला a garden after the death of her sister Hazrat Aisha. Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد جو باغ ان کو وراثت میں ملا
उन्होंने उसे बेच कर क्या किया, गेव अवे, दे दिया ऑल द मनी, तमाम रकम, टू द पुअर एंड नीडी, गरीबों और जरूरतमंदों को। शी फेल्ट प्लेजर इन डूइंग दिस, डूइंग सो शी फेल्ट प्लेजर, प्लेजर इन डूइंग सो, इन डूइंग सो, उन्हें ऐसा करने में खुशी महसूस हुई, या उन्होंने खुशी महसूस की, या उन्हें बेहतर लगा, यह उनके लिए खुशी का जरिया बना। द क्वेश्चन नंबर 7 इज, What message do you get from the life of Hazrat Asma? What message do you get from the life of Hazrat Asma? मतलब Hazrat Asma की जिंदगी से हमने क्या सबक सीखा या क्या पैगाम मिला? Sorry, message मतलब पैगाम मिला। What message do you? What message? What message? Do you get from the life of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha? Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha ki zindagi se hamein kya sabak mila? The message we get from the life of Hazrat Asma is that one should live a life of bravery, truthfulness, truthfulness, piety. Piety, generosity, and patience. The message we get, पैगाम जो हमने हासिल किया फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से, इज दैट वो है कि वन शुड लाइफ, एक शख्स को जिंदगी गुजारनी चाहिए ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की, पाइटी का मतलब है जी सब्र, सदाकत, रहम दिली, जेनरोसिटी, सखावत, पेशेंस, एंड पेशेंस का मतलब बर्दाश्त, किसी को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए किसके साथ, बहादुरी, ट्रूथफुलनेस, सदाकत, पाइटी, रहमदिली, जेनरोसिटी, सखावत एंड पेशेंस और बर्दाश्त के साथ।
And the last question. Question number 8. Her life would always be a beacon. Beacon of light. Beacon of light for all of us. How? Her life would always be a beacon of light for us. मतलब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमेशा हम सब के लिए रोशनी का मीनार रहेगी. लेकिन कैसे? आंसर इज हज़रत अस्मा Hazrat Asma was embodiment of bravery, generosity, generosity and patience. And patience. She had resolute faith. Faith in Allah Almighty. In Allah Almighty, and always showed patience in sufferings. Patience in sufferings and the hardships. So this was our tutorial today. And the last question is, her life would always be a beacon of light for us. ये हमारे लिए रोशनी का मीनार किस तरह हो सकती है और ये किस तरह है, ये हमारे लिए मीनार है लेकिन किस तरह है, हाउ, किस तरह. हज़रत अस्मा वाज़ एम्बोडमेंट ऑफ द ब्रेवरी, जनरोसिटी एंड पेशेंस. शी हैड रेजोल्यूट द फेथ इन अल्लाह अलमाइटी एंड ऑलवेज शोड पेशेंस इन द सफरिंग एंड द हार्डशिप्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑलरेडी ऑल द क्वेश्चंस एंड नोट डाउन ऑन योर नोट्स for your exams. At last I want to re-request you
Please subscribe our channel Digital Pakistan for next tutorial of English. I hope you have already subscribed our channel, and the next tutorial will come. You should see at YouTube channel, so which name is I tell you here. Now next chapter becoming daffodils. I think it's not good for you in short questions, because it has already a summary in exams. I think you must not do question of this chapter 5 daffodils. You should do question of the Qaid and Qaid's vision and Pakistan, Qaid Azam ki siyasi firasat aur Pakistan. You should do question of this, not a question question of chapter 5. I think it's enough today. Thank you. Allah Hafiz.